हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुड न्यूज़ सब बच्चों के लिए। जितने बच्चे हमारे साथ 11th क्लास के जुड़े हुए हैं, सभी को बता दूं आपकी UFM लिस्ट आ चुकी है। आपके रिजल्ट आने से पहले मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि आपकी एक UFM लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें आपके रोल नंबर डाले जाएंगे। जिनका भी जहाँ पर रोल नंबर है उनको अभी बोर्ड में जाना है। तो आपको बता दूँ टाइम, आपकी डेट, जो कुछ भी है मैं ऐसी वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। तो आपको बता दूँ रोल नंबर भी बोल के बताऊँगा। अगर आपका जहाँ पे रोल नंबर होगा तो चले जाना बोर्ड में। तो आपको करना क्या, वहाँ पर जाके ये भी बता देने वाला हूँ। तो 26 तारीख को आपकी UFM है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो 10th एंड 12th के बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनको बता दूँ कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो हमें आप बोल सकते हो। तो 11th और 10th का थोड़ा सा UFM निकाला गया है। 10th के 4 बच्चे हैं और 11th के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो 26 तारीख को आपको बोर्ड में जाना है। तो आपको बता दूँ जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दूँ जहाँ पे रोल नंबर्स हैं, तो जहाँ पे अगर आपका सीरियल नंबर 255002 है तो अपना ज़रूर चेक कर लें रोल नंबर, शायद आपका नहीं डाला गया हो। अगर आपका 255001 है, 255002 है, सीरियल नंबर बता रहा हूँ, रोल नंबर का पहले लिखा होता है, तो उसके बाद 003 भी है, 260029, 260004, 260006, 260006 चेक कर लें, 260007, 262006, 262006, 262007, 265037, 267013। अपने सीरियल नंबर देख लें, ठीक है, आपका कहीं भी मिलता हो जुलता हो, 270006, 27301। तो आपको बता दूँ ये सीधा PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या WhatsApp ग्रुप में आपको चैनल पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए आपको मिल जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का कोई भी आपको करने का, आपको ये वाला PDF हमारी तरफ से आपको दे दिया जाता है। कमेंट में लिंक डाल दिया होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि PDF फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ पर क्लिक करना, आपके सामने ये PDF आ जाएगा। जिसका भी यहाँ पर रोल नंबर है बोर्ड में चला जाए, तो आपको बता दूँ बोर्ड में जाना जरूरी है। वहाँ पे करना क्या है तो आपको बता दूँ, करना ये है कि आपको वो पूछेंगे आपने कोई चीटिंग किया है, तो आपके ऊपर अगर कोई चीटिंग का केस था, आपने एग्ज़ाम करते कुछ हुआ था, तो यहाँ पे इसलिए आपको बुलाया गया है। अगर आपने कुछ नहीं किया फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करेंगे, वो आपसे पूछेंगे। अगर आपने नहीं किया तो वहाँ पर जाके ऐसे ही बता देना, अपने हिसाब से आंसर देना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई गलत आंसर देना है, आपको जो सही है वही आंसर देना जो आपसे पूछा जाए। तो अपने तैयारी रखना और अपना जो है कॉन्फिडेंस पूरा बनाए रखना, जो भी पूछेंगे करना पूरा का पूरा, तो रिजल्ट आपका फिर आपको निकाल देंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो स्टे लग सकता है आपको, तो अपने हिसाब से आंसर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।